Brought to you by Khata Book. इनका tomorrow हो ना हो, लेकिन हिसाब today हो सकता है। कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए, फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। हमारी दादी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियाँ है बताओ। बहुत कमियाँ थी। जैसे? बहुत कमियाँ। कमलनाथ की सरकार में जैसे? जीतू पटवारी जी एक बुजुर्ग महिला से कैमरे पर कुछ पूछ रहे थे, लेकिन बुजुर्ग महिला ने कमलनाथ सरकार के काम पर ही सवाल उठा दिया। दरअसल जीतू पटवारी की भरी सभा में उस वक्त किरकिरी हो गई जब पटवारी ने बुजुर्ग महिला से पूछ लिया कि कमलनाथ सरकार में क्या कमियां थी, और इसका जवाब आया कि कमियां ही कमियां थी। हमारी दादी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां है बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे? बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे? बहुत से, मैं ये तो याद नहीं पना। बहुत नहीं, ये जो तुलसीराम भैया चलते चुनाव में 5 साल का चुनाव हुआ था और बिक गए, तो ये काम अच्छा हुआ है बुरा हुआ? नहीं, अच्छा। कैसा रहा? बिकना चाहिए जनप्रतिनिधि को? नहीं, काम करोगे तो पूछेगा, नहीं करोगे तो कौन पूछेगा? जनप्रतिनिधि को बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं बताओ आप। नहीं बिकना चाहिए। नहीं आप बताओ, ईमानदारी, झूठ बोलोगी तो? नहीं नहीं नहीं, उनको बोलने दो मन से। इस वीडियो को बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शेयर किया है और लिखा है कि सत्यमेव जयते। आपको बता दें कि जीतू पटवारी सांवेर विधानसभा में प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान वे एक बुजुर्ग महिला को हाथ पकड़कर मीडिया के सामने ले आए। इसके बाद उन्होंने बुजुर्ग महिला से कहा, ये हमारी दादी है, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका, कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियाँ है बताओ। दादी ने झट से कहा, बहुत कमियाँ थी। इस पर फिर पटवारी ने पूछा, जैसे? दादी ने फिर कहा, यह तो याद नहीं, लेकिन बहुत कमियां थी। इस पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। इसके बाद सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी जमकर ट्रोल हो रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।